खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आ गई है। एबीपी न्यूज के पास विस्तार को लेकर बड़ी खबर यह है कि हमारे पास वो लिस्ट आ गई है, वो नाम जिन पर आज मोहर लग चुकी है और आज तमाम ये लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, ये तय हो चुका है। आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के विस्तार पर जो बड़ी अपडेट सुबह से आपको हम दे रहे हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे, ये तो तय था, लेकिन ये भी अब तय माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे अपने पिता के मंत्रिमंडल में जगह बनाएंगे। अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर से। गणेश, लिस्ट भी आ चुकी है आपके पास और आदित्य ठाकरे का नाम क्या लिस्ट में है बताइए। इस लिस्ट में कैबिनेट मंत्रियों के नाम में सबसे आखिरी नाम आदित्य ठाकरे का है, पहली बार चुन के आए और तुरंत उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसको लेकर कई सारे अब सवाल भी उपस्थित किए जा रहे हैं, क्योंकि रोहित पवार जो शरद पवार के परिवार से हैं वो भी पहली बार चुन के आए, युवा नेतृत्व है, उनका नाम क्यों नहीं, ऐसी भी अब चीजें एनसीपी की तरफ से बताई जा रही। लेकिन आदित्य ठाकरे को बड़ा प्रमोशन मिला है, सीधे अपने पिता राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कैबिनेट का वो हिस्सा होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे। पोर्टफोलियो कौन सा दिया जाएगा ये अभी तय नहीं, लेकिन कैबिनेट मंत्री होंगे ऐसा जानकारी मिल रही है। कुल मिलाकर 35 मंत्री आज शपथ लेंगे ऐसी जानकारी मिल रही है। अगर आप हैं तो मैं पूरी लिस्ट आपको सुनाना चाहूंगा, जिसमें अशोक चव्हाण का नाम है, दिलीप वलसे पाटिल है, धनंजय मुंडे है, आगे मैं आऊंगी गणेश, और जो लिस्ट आपके पास है उसमें तमाम नामों पर हम तफसील से जानकारी आप लेंगे। लेकिन बड़ी खबर जो निकल कर आई है वो ये कि हाँ, शिवसेना की जो लिस्ट है उसमें सबसे आखिर में नाम आदित्य ठाकरे का है और ये माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे अब कंफर्म आप समझ सकते हैं इसको कि अपने पिता के मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे।